हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, तो गाइस यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड है वो जा रहे हैं ड्यूटी, और उनकी सारी तैयारियाँ जो है वो हो चुकी हैं, बस उनको निकलना ही है। और शायद समथिंग अभी बज रहा होगा 10, और 10 बजे से मेरे हस्बैंड को निकलना था और वहाँ पर पहुँचना था समथिंग 10:30 बजे। तो वो ऐसे ही निकल जाते हैं 15-20 मिनट पहले, और जाने में समय भी लगता है। और जो बच्चे हैं वो भी बढ़िया उठ गए थे, और जब भी वो ड्यूटी जाते हैं ना तो छोटा वाला बड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उनके साथ वो हमेशा खेलता रहता है, हंसता रहता है। और जब वो ड्यूटी चले जाते हैं ना तो उसको ऐसा लगता है पता नहीं डैडी कब आएंगे और कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए जब जब उनका ड्यूटी जाना होता है ना, तो तब तक बच्चे, छोटा वाला जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों ने नहा लिया था और रेडी हो गए थे बिल्कुल। और यशवी की जो तबीयत है वो हाल फिलहाल में सही नहीं चल रही थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था तो वो स्कूल नहीं गया था। और कभी कभी बच्चों का स्कूल जाने का मन भी नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग खुद से समझ लेते हैं। क्योंकि हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो जब स्कूल जाने का मन नहीं होता था तो मम्मी से जाने कितने सारे बहाने बना लेती थे। तो वही सारी चीज़ें जब बच्चे बोलते हैं ना तो वही सब याद आ जाता है। तो गाइस, यहाँ पर खाना पीना जो है वो बिल्कुल बन चुका था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो ड्यूटी जा रहे थे। तो जब भी उन्हें ड्यूटी जाना होता है ना तो खाना पीना बहुत जल्दी मैं बना लेती हूँ, जिससे कि उनको खाना पीना, मतलब वो ले जाएं और बाहर से उनको कुछ भी लेके खाना ना पड़े। तो इन सारी चीज़ों का भाई हम लोग वाइफ हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और बाहर का खाना जो है मेरे हस्बैंड को वैसे भी बहुत कम पसंद है, वो तो मुझे पसंद है। तो जब भी मैं, मतलब जाना होता है तो मेरी ही जिद रहती है कि चलो बाहर खा के आते हैं। और कभी बाई चांस होता है कि मेरे हस्बैंड बोल दे। तो यहाँ पर जैसे खाना पीना बन गया था, बच्चे भी नहा लिए थे, तो और कोई काम नहीं था, लेकिन हाँ किचन वगैरह भी साफ़ करनी थी। और फिर भी जब कोई काम नहीं होता है ना, तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं काम निकाल ही लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो मैं यही सोच रही थी कि आज घर के कामों से मैं बहुत ज़्यादा जल्दी फ्री हो गई हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ और काम कर लेती हूँ जो पड़ा हुआ है। क्योंकि इतना ज़्यादा आराम तो खैर मैं करती ही नहीं हूँ कि हाँ अगर तुम 10-11 बजे फ्री हो गए हो तो लेटे रहो। तो इसलिए जो भी काम एक्स्ट्रा के रहते हैं तो मैं जब जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस किचन साफ़ करने को रह गई थी, तो मैंने वो भी अच्छे से कर ली थी। और फिर उसके बाद कपड़े थे धुलने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो क्यों ना इनको धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे जो भी गंदे थे, सब ढूंढ ढान के, और फिर उसके बाद मशीन लगाई, कपड़े धोना मैंने कर दिए थे स्टार्ट। और बच्चे जो है आराम से खेल रहे थे। और जब यशवी घर में रहता है ना तो छोटा वाला जो है वो यशवी के साथ अच्छे से खेलता रहता है, लेकिन अगर यशवी स्कूल चला जाता है तब तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाती है। और हस्बैंड भी ड्यूटी चले जाते हैं, क्योंकि वो अभी छोटा ही है, तो सारी चीज़ें उसको चाहे कितना भी समझाओ कुछ भी उठा के। मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उससे ये है कि वो कुछ भी उल्टा सीधा खा लेता है, तो बहुत ज़्यादा देखने की मुझको ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए अभी निश्चिंत होकर मैं कर रही थी काम, क्योंकि ये भी उसके साथ खेल रहा था और वो देखे भी रहता है कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना उठा के खाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े जो है वो केवल रह गए थे निकालने के लिए, तो मैं मशीनी में उनको निकाल लिए थे। उसके बाद का इस मौसम आप देख सकते हैं, धूप जो है वो आज थी नहीं, सुबह से तो थी लेकिन अभी प्रेजेंट में धूप नहीं थी, लेकिन फिर भी जब कपड़े धो लिए थे तो भाई सुखाना तो बनता ही है। तो मैं फिर भी आ गई थी छत पे डालने के लिए, और वैसे भी अभी गर्मी का सीज़न है तो हवा में भी कपड़े सूख जाते हैं, और सारे कपड़े मैंने ड्राई ऑलरेडी कर ही दिए थे। और बच्चे देखिए साथ में आ गए थे खेलने के लिए, छोटा वाला, तो भाई वो जहाँ जहाँ मम्मा जाएगी, अगर उसके डैडी नहीं होंगे तो वहाँ वहाँ वो मम्मा को आ जाएगा परेशान करने के लिए। और बढ़िया साइकिल से खेल रहा था, और फिर दोनों बच्चे यहाँ पर थोड़ी देर खेले, और मैंने जब तक यहाँ सारे कपड़े सुखाने के लिए टांग दिए थे, और इतने सारे कपड़े जो है वो नीचे सुखाने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, हमेशा मैं छत पे ही कपड़े सुखाती हूँ। तो उसके बाद गाइस मैं जैसे ही नीचे आई, वैसे ही मेरी मम्मी जो है वो अराबी को लेके आ गई थी, और अराबी जो है वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अच्छी सी गुड़िया सी लग रही थी। वो तो हमेशा इस टाइप के कपड़े पहनती है, सूट वगैरह तो बड़ी अच्छी लगती है। और उसी के साथ मम्मी मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लेके आई थी, मतलब हम सब
के लिए। और जब भी कुछ अलग सा बनता है तो मम्मी हमेशा मेरे को याद कर लेती हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि मम्मी क्या लेके आई। और वाकई में सही बताएं तो माँ ही होती है, माँ की जगह वाकई में कोई नहीं ले सकता। और जब भी कुछ बनाती है ना मम्मी तो सबसे पहले मेरे को याद कर लेती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाभी ने बनाई होगी कढ़ी, और फिर मम्मी ने कहा कि चलो डॉली को दे के आते हैं। तो मम्मी अराबी को भी ले आई थी जिससे कि अराबी बच्चों के साथ खेल लेगी, और मम्मी खाने के लिए सबके लिए कढ़ी भी ले आई थी। और फिर उसके बाद माँ बेटी की थोड़ी देर हम गपशप हुई, क्योंकि कोई भी आ जाता है तो काम थोड़ा चाहे फैला रहे लेकिन हम लोग उसको टाइम भरपूर देना मतलब पसंद करते हैं और देना भी चाहिए चाहे कोई भी हो। इसलिए बस वैसे तो सारे काम हो ही गए थे, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और कपड़े भी सारे धुल गए थे, बस रह गया था सोफे के कवर चेंज करने के लिए और बेड सीटें वगैरह बदलने के लिए। तो जैसे ही मम्मी गई, थोड़ी देर रुकी हैं, राबी ने परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, रोना स्टार्ट कर दिया था, तो मम्मी फिर उसको लेके चली गई थी। एक आध घंटा मम्मी रुकी थी और उसके बाद वो चली गई। फिर मैंने यहाँ पर जो भी काम रह गया था वो करना स्टार्ट कर दिया। और इसी टाइप से गाइस मैं अपने काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे अगर खेल रहे हैं और पति देव घर पर नहीं हैं तो जल्दी फटाक से काम कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे खेल उन्हीं के साथ में हम लोग भी लग जाएं और काम जो है वो फैले रहें। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं पहले अपने काम निपटाती हूँ, उसके बाद अपने बच्चों को भरपूर समय देती हूँ और पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान रखती हूँ। तो गैर मैं जो जो काम कर रही थी, मेरे बच्चे बढ़िया मेरी हेल्प कर रहे थे, और मैं यही सोचती हूँ कि चलो जैसे कि अब मेरे दो बेटे हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चे ही मेरी हेल्प करेंगे आगे चल के, क्योंकि लड़कियाँ तो हैं नहीं हैं। और हमेशा यही बोला जाता है कि लड़कियां अपनी माँ की हेल्प कराती हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को सारा कुछ सिखाने वाली हूँ और हर चीज़ उनको मतलब कि आगे चल के फ्यूचर में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसे जैसे वो बड़े हो जाएंगे वो मुझे देखते रहते हैं और आ जाते हैं साथ में सपोर्ट करने के लिए, और उन्हें ये लगता भी है कि मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और जो मेरा बड़ा बेटा है इन सारी चीज़ों को वो समझने लग गया है, तो उससे जो भी बनता है ना तो वो मेरे साथ ज़रूर से करवा लेता है। और मुझे इस बात की गाइस बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चे अगर माँ बाप की परेशानी समझें, अभी तो खैर वो छोटे हैं और अपने माँ बाप की परेशानी हर बच्चे को समझनी भी चाहिए और उन्हें भरपूर प्यार और रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप का जो सहारा होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, और जब हम लड़कियाँ इन चीज़ों से गुजरते हैं ना तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और भगवान करे कि हर लड़का भी इस चीज़ को समझे। तो गाइस सारे काम मेरे हो गए थे, और ये थोड़ी सी जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की ये मेरी पर्सनली मतलब कभी कभी होता है मेरा मन आप लोगों से कुछ शेयर करने का तो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारे काम हो गए थे, बेड शीट भी मैंने सारी चेंज कर दी थी, और अब मैं करूंगी अपने बच्चों के साथ आराम। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।